पहले खबरें देखने के लिए टीडीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं का सबसे प्रमुख व्रत है। पति की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए सुहागिने इस व्रत को रखती हैं। तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल भादो महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को आता है। हरतालिका तृतीया भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हम लोग हरतालिका तृतीया कहते हैं। और इस तृतीया में सबसे बड़ी बात यह है, ज्योतिष गणना के अनुसार हस्त नक्षत्र का होना अति आवश्यक है। हस्त नक्षत्र पर जिस दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उसको हरतालिका तृतीया कहते हैं। ये अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के संवर्धन के लिए, जैसे महिला सशक्तिकरण एक विषय है इसमें, वो इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें मध्यान्होत्तर जब मध्यान्ह का समय व्यतीत हो जाता है उसके उपरांत महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय के उपरांत स्नान करती हैं। और हमारे यहाँ तो नियम बना हुआ है नदी जलाशय कोई गंगा ऐसा स्नान करके, और अगर ये नहीं रहा तो हमारे यहाँ शास्त्रों में एक व्यवस्था दी गई है कि अपने जहाँ पर भी आप स्नान कर रहे हैं वहाँ गंगा का स्मरण करते हुए, किसी अच्छी तीर्थ का स्मरण करते हुए स्नान करें। और स्नान करने के तुरंत उपरांत अपने मंदिरों में जाकर के महिलाएं पूजन करती हैं, श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, इससे उनका पारिवारिक संतुलन सुरक्षित होता है और जीवन में बहुत ही पारिवारिक जो समृद्धि है सुख समृद्धि भी बढ़ती है। आइए हम आपको वह मंत्र बताते हैं जिसे व्रत के दौरान उच्चारण करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर और पार्वती का इसमें षोडशोपचार पूजन किया जाता है, उनको बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, माँ भगवती पार्वती को श्रृंगारित किया जाता है और माँ भगवती आदि जगदम्बा की आराधना के करते हुए उसमें एक मंत्र आता है, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि और भगवान भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम वागर्था विभुषम प्रीतो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ऐसे ऐसे मंत्र लेकर के ओम नमः शिवाय ओम पार्वत्यै नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए अपने व्रत को पारण कर सकते। और जब महिलाएं अपने परिवार के संतुलन को बनाए रखने के लिए इन व्यवस्थाओं को करती हैं तो उनका पातिव्रत्य व्रत जो है संयम निष्ठा, और जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और राजस्थान में, इन चार प्रांतों में इस व्रत का विशेष करके महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत को संतति के लिए भी बताया गया है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य को और संयमित रह करके निष्ठावान पातिव्रत्य व्रत को इसमें धारण करती हैं तो उनका अखंड सौभाग्य होता है। संतति के लिए भी व्रत किया जाता है। महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और संतति के लिए इस प्रायः इस व्रत को किया करती हैं। और ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र युक्त होने पर ये हरतालिका तृतीया मनाई जाती है। हरतालिका तीज को लेकर पौराणिक कथाएं भी हैं। शिव महापुराण और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, इसके पीछे पौराणिक व्यवस्था है। हमारे शिव महापुराण में और अन्य ग्रंथों में इसकी कथा थोड़ी सी कथा भी आती है। जब सती ने अपने शरीर का योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म किया तो उस योगाग्नि में भस्म करने के उपरांत फिर अब बार बार प्रार्थना की कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं भगवान शंकर का ही पति के रूप में वर्ण करूं, तो एक जन्म को छोड़ करके दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में आती हैं। और वहाँ उनका जब व्रत करने जाती हैं, तप करने जाती हैं, शंकर की आराधना करती हैं शंकर को प्राप्त करने के लिए, उस समय उनका एक नाम पार्वती का उमा पड़ता है। और उसके बाद में जब पत्ते खाना भी वो व्रत में छोड़ देती हैं तो नाम पड़ता है अपर्णा। और पर्वतों के यहाँ जन्म लेने से पार्वती, ये तीन नाम विशेष करके माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के तीन रूप में है। हिंदू जीवन पद्धति में व्रत त्योहारों का हमेशा से पूजा पाठ के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की दिशा में भी अहम योगदान रहा है। कि महिला को भी प्रकृति कहा गया है, प्रकृति ही महिला है और महिला रहती है तो पारिवारिक जो संसार है वो सुव्यवस्थित चलता है। पर्यावरण का संदेश है, पर्यावरण संवर्धन
और पर्यावरण संरक्षण का की ओर संकेत करता है। भाद्रपद का महीना भी वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु में हम जल का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण, नदी का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, तो व्रतों में खाली ईश्वर की आराधना ही नहीं छिपी होती, वरन सामाजिक व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी छिपी हुई होती हैं। और सामाजिक व्यवस्था को सारे हमारे जितने सनातनी और वैदिक परंपरा के व्रत हैं वो सब इस ओर संकेत करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक संतुलन भी प्रकृति के ही अधीन है।